हेलो। अरे भैया ये भी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जनचल की मांगे सच्ची है, सरकार की नीति कच्ची है। जनचल की मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद, जनचल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनचल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनचल एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेटन बच्चे चल न सके, सरकार निकम्मी है। पेटन बच्चे चल न सके, सरकार निकम्मी है। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पशुता तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जल्दी हो या राजस्थान, जल्दी हो या राजस्थान। राजस्थान सरकार की हठधर्मिता के कारण और माननीय मुख्यमंत्री की अड़ियल रवैये के कारण जिला शाखा अजमेर ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाने की कार्रवाई की है। आज राजस्थान सरकार कर्मचारियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है और सातवां वेतन आयोग के लिए उदासीनता बढ़ती हुई है। और हमारी 15 सूत्री मांग पत्र जो कर्मचारियों ने 14 अक्टूबर को सरकार को प्रेषित किया था, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने अपने समय समय पर आंदोलन को 10 चरणों में पूरा किया है, जिसके लिए 12 तारीख को हमने SMS स्टेडियम के अंदर, SMS ऑडिटोरियम के अंदर एक हमारा प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया था। उसके अंदर पुरजोर तरीके से राजस्थान के सभी कर्मचारियों ने इस सरकार के हठधर्मिता के कारण गुस्से में कर्मचारी हैं और सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए कर्मचारी कमर कस चुके हैं। अगर सरकार हमारे सभी कार्यक्रम होने के बाद भी सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो सरकार कर्मचारियों को आंदोलन पर जाने के लिए सरकार मजबूर करिए, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से ये चेताना चाहता हूँ, हम लोगों का अब एक ही काम रह गया है। हमारे लिए चाहे कांग्रेस सरकार हो या BJP सरकार हो, समान है। पहले हमने गहलोत की सरकार को नाको चलो चबा दिए थे, अब वो समय आ गया है कि BJP की सरकार को सबक सिखाए कि कर्मचारियों की मांगों के लिए उदासीनता नहीं बरते और संवेदनहीनता नहीं बरते और कर्मचारी संघों की सभी मांग पत्रों को लागू करे और उनको बुलाकर वार्ता करे और महासंघ के प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा वार्ता कर सम्मानजनक समझौता जब तक नहीं होता है कर्मचारी आंदोलन रहेगा और आंदोलन कर रहा है। इसके लिए कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए सरकार को बार बार आग्रह किया है, निवेदन किया है और कहा है समय रहते कर्मचारियों की मांगों के लिए सरकार पूरा करे, अंततः सरकार इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आपका नाम बताओ। बद्री प्रसाद शर्मा, जिलाध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ अजमेर।